हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम एक न्यू टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है, या कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। डेफिनेशन देखिए, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का पौधों के एक अंग से दूसरे अंग में गमन करना ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहलाता है। इट मीन्स गाइस, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि वाटर हुआ, कुछ भोज्य पदार्थ हुए, इन सभी का पौधों के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गमन करना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना ही ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। सो ट्रांसलोकेशन आपको समझ आ गया कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका पौधों से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो अब ये जो ट्रांसलोकेशन होता है, इनमें जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो प्रायः संवहन ऊतकों के द्वारा होता है, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं उनके द्वारा ट्रांसलोकेशन होता है। अब कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनके द्वारा ही भोज्य पदार्थों का या कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इसके बाद देखिए, 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के विभिन्न वैज्ञानिक जैसे सैक्स, स्टॉर्सबर्गर, मुच्च तथा क्लर्क का ध्यान भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण की ओर गया। यानी कि 19वीं शताब्दी के जो साइंटिस्ट थे वो हैं सैक्स और स्टॉर्सबर्गर, और 20वीं शताब्दी के जो साइंटिस्ट हैं वो हैं मुच्च और क्लर्क। इन जो साइंटिस्ट हैं इनका ध्यान गया भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण की ओर। फिर उन्होंने कहा कि इन संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने जाइलम और फ्लोएम की संरचना का अध्ययन करके भोज्य पदार्थों का ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर स्थानांतरण होता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे 19वीं शताब्दी के और 20वीं शताब्दी के, इन साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं या फिर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका जो स्थानांतरण होता है वो प्रायः ऊपर की ओर होता है और नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर की ओर कैसे होता है और नीचे की ओर कैसे होता है। सबसे पहले भोज्य पदार्थों का यानी कि कार्बनिक पदार्थों का नीचे की ओर स्थानांतरण और कार्बनिक पदार्थों का ऊपर की ओर स्थानांतरण। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका नीचे की ओर स्थानांतरण कैसे होता है। सो कार्बनिक पदार्थों का नीचे की ओर स्थानांतरण को समझने के लिए हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट लेते हैं। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है गाइस, फ्लोएम के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर होता है। प्रयोग के लिए पौधे के तने में एक स्थान पर उसके जाइलम को छोड़कर शेष सभी बाहरी ऊतक तथा कॉर्टेक्स, फ्लोएम तथा पेरिसाइकल इत्यादि को एक चाकू की सहायता से काटकर अलग कर दिया जाता है। इसको मैं गाइस आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, पहले आप इसका थ्योरिकल पार्ट सुन लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक पौधा लेते हैं, एक प्लांट लेते हैं, और उसके तने में एक स्थान पर उसके जाइलम को छोड़कर शेष सभी जो ऊतक होते हैं उनको हम एक चाकू से काटकर अलग कर लेते हैं। ओनली हम जाइलम बचाते हैं, ठीक है, पौधे के तने में। इसके बाद क्या करते हैं, यह रिंगिंग पत्तियों के ठीक नीचे किया जाता है, क्योंकि हम चूँकि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का नीचे की ओर स्थानांतरण देख रहे हैं तो ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट हम पत्तियों के नीचे की ओर करते हैं। इसके बाद इस प्रयोग को एक या दो सप्ताह के लिए सामान्य दशा में रख दिया जाता है। नाउ दिस कंडीशन गाइस, प्रयोग के अध्ययन से दो बातें ज्ञात होती हैं। सबसे पहला है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो पत्तियों द्वारा बनते हैं वले के ऊपर तने में एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण वह फूल जाता है तथा जड़ें भी निकलने लगती है। अब क्या होता है, जो भी भोज्य पदार्थ बने हैं वो ऊपर की ओर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं
एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण ऊपर वाला जो भाग होता है वो फूल जाता है और उससे कुछ जड़ें भी निकल आती हैं। गाइज आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको ये डायग्राम से बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद बले के नीचे वाले भाग में भोजन की बहुत अधिक कमी हो जाती है। बले के ऊपरी वाले भाग में भोजन संचित हो जाने के फलस्वरूप बहुत अधिक वृद्धि होती है, परंतु बले के नीचे वाले भाग में भोजन ना पहुंचने के कारण वृद्धि रुक जाती है और जड़ों का निकलना कम हो जाता है तथा ऊतक धीरे धीरे मरने लगते हैं। जो टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे नीचे वाले पार्ट मरने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर भोजन नहीं पहुँचता है। इन प्रयोगों से सिद्ध होता है कि नीचे की ओर स्थानांतरण केवल फ्लोएम के द्वारा ही होता है, जाइलम के द्वारा नहीं होता है। अब ये डायग्राम देखिए गाइस, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये काफ़ी फूला हुआ है और इससे जड़ें भी निकली हुई हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में काफ़ी अधिक भोज्य पदार्थों का ऊपर की ओर स्थानांतरण हुआ है, जबकि नीचे की ओर का पार्ट जो है ना ही ये वाला पार्ट फूला हुआ है और ना ही इस पार्ट से कोई भी जड़ें निकली हुई हैं, क्योंकि गाइस ये वाला जो पार्ट है इसमें भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। ऊपर के वाले पार्ट में भोज्य पदार्थों का काफ़ी अधिक स्थानांतरण हो जाने के कारण ये फूल जाता है और नीचे की ओर स्थानांतरण भोज्य पदार्थों का ना होने के कारण ये नहीं फूलता है। सो यही कहा गया है कार्बनिक भोज्य पदार्थों के नीचे की ओर स्थानांतरण में। वैज्ञानिकों ने कहा है कि फ्लोएम के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे तथा ऊपर की ओर होता है, लेकिन जो नीचे की ओर स्थानांतरण होता है वो केवल फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका कार्बनिक भोज्य पदार्थों का नीचे की ओर स्थानांतरण। ठीक है, जो कि मैंने आपको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया। अब मैं आपको बताती हूँ कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऊपर की ओर स्थानांतरण। सो इसमें क्या होता है इसको भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। पहले आप इसका थ्योरिकल पार्ट सुन लीजिए। सबसे पहले प्रयोग के लिए पत्ती रहित शाखा लेते हैं। इसमें क्या करेंगे गाइस हम कि पत्ती रहित तीन शाखाएं लेंगे। सबसे पहले ए जो शाखा होती है उसको कंट्रोल मान लेते हैं, बी वाली जो शाखा होती है उसमें से फ्लोएम को निकाल देते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और सी वाली जो शाखा होती है उसमें हम जाइलम को निकाल देते हैं। इन सभी शाखाओं को कांच की ट्यूब में फिट करके कुछ दिनों तक रख देते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो तीन शाखाएं हमने अलग अलग करी हैं इनको हम एक कांच के बॉक्स में फिट कर देते हैं। पहली शाखा जो कंट्रोल वाली उसको अलग कर लेते हैं, दूसरी शाखा जिसमें हमने फ्लोएम को निकाल दिया है वो अलग कर देते हैं, और तीसरी शाखा जिसमें हमने जाइलम को निकाल दिया उसको हम अलग कर देते हैं, और तीनों को अलग अलग ट्यूब में फिट करके कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। नाउ अब क्या होता है, परीक्षण के पश्चात ज्ञात होता है कि शाखा ए तथा शाखा सी में बराबर मात्रा में वृद्धि होती है, बराबर मात्रा में ग्रोथ होती है शाखा ए और शाखा सी में, परंतु शाखा जो बी होती है जिसमें कि हमने फ्लोएम को निकाल दिया है उसमें वृद्धि नहीं होती है क्योंकि उसमें हमने फ्लोएम को निकाल दिया है। अब इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि फ्लोएम के द्वारा ही खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। सो आपको ये दोनों थ्योरी समझ में आ गई होंगी, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऊपर की ओर स्थानांतरण और कार्बनिक भोज्य पदार्थों का नीचे की ओर स्थानांतरण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो ये गाइस कार्बनिक पदार्थों का या फिर कहा जाए तो ट्रांसलोकेशन का पार्ट वन है। पार्ट टू में मैं आपको गाइस मुच्छ हाइपोथीसिस समझाऊंगी, जो कि वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।